YouTube चैनल उज्जवल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे दवजांक विधि से भाग। ये परीक्षा में 99% आने के चांस है इस बार दवजांक विधि से भाग। देखो, हम इस भाग की विधि को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये एग्जाम्पल ex के द्वारा दर्शा रहा हूँ। 92,358 में 151 का आपको भाग देना है। 92,358 में किसका भाग देना है? 151 का। तो ये तो क्या बन गया आपका भाज्य, और ये क्या बन गया भाजक। देखो, इधर संकेतों को अच्छी तरीके से समझने की जरूरत होती है। भाज्य क्या है आपका? ये वाला है 92,358, और भाजक क्या है? 151। इस प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे तीन कॉलम बना लेंगे। ये एक कॉलम, ये दूसरा और ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। इसके बाद में हम जो भाजक होता है हमारे पास, जो भाजक है, इस भाजक को हम दो भागों में बांटेंगे। इस भाजक को हम दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में कैसे बांटेंगे? इकाई की ओर से ले लेंगे एक अंक, और दहाई की ओर सैकड़ा ओ सॉरी इकाई की ओर से ले लेंगे एक अंक ले लेंगे, और दहाई और सैकड़ा का अंक एक तरफ ले लेंगे। अब दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि इधर से एक अंक ही क्यों ले, दो भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, परंतु सुविधा ये रहेगी जब संख्या तीन अंकों की हो तो आप एक ही अंक लेना इधर से और दो अंक इधर ले लेना। तो पहला अंक जो इकाई की ओर से ले रहे हो वो आपका क्या बनेगा? ध्वजांक। ध्वजांक यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ध्वजांक। तो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ, मैंने इसके दो पार्ट किए, एक 15 और दूसरा एक। तो इकाई की ओर एक है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ध्वजांक की जगह एक, और जो दूसरा पार्ट बच रहा है 15, ये क्या कहलाएगा? मुख्यांक। मुख्यांक को हम इधर लिखेंगे 15 को, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है कि ध्वजांक मुख्यांक के ऊपर घात की तरह लगे हमें। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़ेंगे। ध्वजांक में आपके पास कितने अंक है? एक अंक है। यहाँ पे जितने अंक आप ले रहे हो उतने अंक भाज्य के इकाई की ओर से आपको तृतीय कॉलम में लिखना है। तो मैंने यहाँ पे एक अंक लिया है तो भाज्य का एक अंक हम यहाँ पे लिख देंगे इकाई की ओर से। शेष बचे अंक द्वितीय खंड में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय खंड में शेष अंक 9, 2, 3 और 5। अब यहाँ पे आपको संकेतों में लिखना है आपने ध्वजांक क्या लिया है और मुख्यांक क्या लिया है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ध्वजांक मैंने लिया है एक, और मुख्यांक लिया है, मुख्यांक लिया है 15। अब देखो, पहली स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम संकेतों में नंबर एक लगा कर लिखते हैं। यहाँ पे जो द्वितीय खंड है इसमें भाज्य क्या बनाएंगे हम? पहले एक अंक लेकर देखते हैं, तो 9 में तो 15 का भाग नहीं जाता है, मुख्यांक का भाग देंगे। तो हम दो अंक ले लेंगे 92 में हम मुख्यांक का भाग देंगे। मुख्यांक का मतलब 15 का भाग देंगे। तो 15 का भाग कितनी बार जाएगा? वो हो गया भागफल। 15 का भाग कितनी बार जाएगा 92 में? वो क्या हो जाएगा? भागफल। भागफल, भागफल कितना आएगा? 15 6 90 6 आ गया। और शेषफल क्या आया? शेषफल क्या हुआ? 2। भागफल को द्वितीय खंड में क्षैतिज रेखा के नीचे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 6 लिख देंगे। और शेषफल आया उसको अगले अंक के पहले थोड़ा नीचे यहाँ पे लिखेंगे, 2 को 3 से पहले और इसके नीचे लिखेंगे। तो हमारे पास नया भाज्य बन जाएगा। यहाँ पे नंबर 2 लगाकर हम लिखेंगे नया भाज्य। नया भाज्य आपको क्या मिला? यहाँ पे 2 और ये 3, तो क्या बन गया? नया भाज्य, नया भाज्य बन गया आपके पास 23। नया भाज्य क्या बन गया? 23। इसको संशोधित भाज्य में बदलना पड़ेगा, इसको संशोधित भाज्य में बदलना पड़ेगा। अब संशोधित भाज्य में बदलने का सूत्र क्या होता है? संशोधित भाज्य बराबर क्या होता है? नया भाज्य, नया भाज्य
माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे आएगा ध्वजांक, ध्वजांक गुणा भागफल, भागफल। देखो ध्वजांक आपको यहाँ नजर आएगा, भागफल आपको यहाँ मिलेगा, और नया भाज्य ये आपका है। इसमें मान रख देते हैं हम, तो संशोधित भाज्य बन गया। देखो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य क्या बनेगा, नया भाज्य कितना था, 23 था, माइनस ध्वजांक कितना है, यहाँ से आप देख सकते हो कितना है, 1 है, भागफल कितना आया, 6 आया। तो 23 माइनस 6, 23 में से 6 गया तो कितना आया भाई, 17 आया। तो ये आपका क्या बन गया, संशोधित भाज्य बन गया। अब नंबर 3 लगाएंगे यहाँ पे, संशोधित भाज्य में फिर से हम क्या करेंगे, संशोधित भाज्य में हम फिर से क्या करेंगे, मुख्यांक का भाग देंगे। मुख्यांक क्या है, 15, 15 में भाग कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे भागफल, 1 बार गया भाग, और शेषफल क्या आया, शेषफल, शेषफल क्या आया भाई, 2 आया, शेषफल क्या आया, फिर से 2 आया। भागफल को द्वितीय खंड में क्षैतिज रेखा के नीचे लिखेंगे, भागफल हमारे 1 आया, शेषफल आया 2, 2 को अगले अंक के पहले नीचे लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे फिर से नया बाज्य क्या बना, नंबर हम 4 लगाएंगे, नया बाज्य, नया बाज्य क्या बन रहा है हमारे पास, 25 बन रहा है, नया बाज्य क्या बना, 25, यहाँ से आप देख सकते हो क्या बना, 25, नया बाज्य बन गया 25। इसको संशोधित बाज्य में बदलेंगे, संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य का सूत्र यहाँ से आप देख सकते हो, नया भाज्य क्या है, 25 माइनस ध्वजांक वही 1 रहेगा, और भागफल क्या आ गया, 1 आ गया, भागफल क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे 25 माइनस 1 गुणा 1 क्या होता है, 25 गुणा 1 माइनस 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 24 आ गया। अब फिर से हमें क्या करना है, संशोधित भाज्य में मुख्यांक का भाग देना है। देखो यहाँ पे दिखेगा मुख्यांक, आपको इसमें भाग देना है। मैं बाकी पॉइंट आपके इधर लिख रहा हूँ, समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ। हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्या करेंगे हम यहाँ पे 24 में किसका भाग देंगे, मुख्यांक का, वो यहाँ कर रहे हैं हम, इधर करेंगे। तो यहाँ पे 24 भाग 15, तो भागफल क्या आया, भाग फल हमारे को प्राप्त हुआ 15 एकम 15 1, और शेषफल क्या मिला, शेषफल मिला 9। 9 को ये दोनों अंक तो आ चुके हैं हमारे पास, हम 9 को कहाँ रखेंगे, 8 के पूर्व में नीचे रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9। अब लास्ट अंक तक हम पहुंच चुके हैं, लास्ट अंक हमारा देखो यहाँ पे क्या है, 8 है, तो ये क्या बन गया, नया बाजी क्या बन गया, 98 बन गया, नया बाजी क्या बन गया, 98। अंतिम अंक तक आ गए, तो अब जो संशोधित बाजे यहाँ पे एक जरूर लिखना पहले, ये 1 बार गया था ना, तो यहाँ पे 1 नहीं लिखा ना हमने, तो यहाँ 1 लिखना है। अब यहाँ पे नया बाजी क्या बना, नया भाज्य, नया भाज्य बराबर है 98। अंतिम अंक तक पहुंच गए, तो संशोधित जो भाज्य आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, शेषफल। यहाँ पे संशोधित भाज्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पे संशोधित भाज्य क्या बनेगा भाई, देखो नया भाज्य 98 माइनस, सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हो ध्वजांक 1 है, और संशोधित भाज्य निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, भागफल कितना आया था, 1 आया था, तो 98 माइनस 1 बराबर 97। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 97। लास्ट उत्तर आ चुका है हमारा, यहाँ पे जो आ रहा है वो आपका भागफल है, और यहाँ जो आ रहा है वो आपका शेषफल है। तो आंसर क्या हुआ इसका, भागफल, भागफल क्या आया, 611, और शेषफल क्या आया, भागफल क्या आया, 611, और
और शेष फल आया हमारे पास 97। आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। दवजांक विधि वाला प्रश्न बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके।